जी तो गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? तबीयत ठीक है? बच्चे वगैरह सब ठीक ठाक है आप लोगों के? जी गाइस, आपको कैसे लग रहा है मेरा प्रोग्राम, मेरा आपको बताना सिखाना, छोटी छोटी टिप्स देना? गाइस असल में काम तो बंदा करता ही रहता है, ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन हंसते हंसते हमारे कुछ काम भी हो जाए और हमारी चंद बातें भी हो जाएँ, तो इससे अच्छी बात मेरा नहीं ख्याल कि कोई और हो सकती है। तो गाइस मैं आज आपको बताना चाह रही हूँ, एक तो फैटी जो फेस होता है, जिनकी चिक्स बहुत ज़्यादा यहाँ से मोटी होती हैं, वो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आप बबल खाएं, बबल खाने से आपकी जो फैटी चिक्स हैं वो ठीक हो जाएंगी, लाइट वेट में आ जाएंगी और आपकी जो ये चिक्स बोन होती है, ये जो आपकी शेप होती है बोन्स की, ये आपकी क्रिएट हो जाएगी। बाज़ लोग बहुत ज़्यादा फेशियल्स वगैरह करवाते हैं, तो इसीलिए करवाते हैं ताकि ये चीज़ हमारी प्रॉपर हो, बने, हमारी नुमाया बने ना। तो लेकिन बाज़ असल में चीज़ जो ये है, बहुत ज़्यादा जब फैटी फेट हो जाता है, फेस हो जाता है, तो उसकी वजह से है ना सारा स्किन जो वो इक्वल हो जाती है, सारी स्किन इक्वल होने की वजह से वो फेस में कुछ भी इक्वल, सब कुछ इक्वल हो जाता है, कुछ भी अनइक्वल नहीं रहता। यानी कि जैसे कि हमें बोन्स अपनी यहाँ से शेप अलग-अलग चाहिए, यहाँ से लाइट वेट में चाहिए और यहाँ से थोड़ी सी फैटी ही अच्छी लगेगी। ज़्यादा फैटी हो जाएगा तो वो आँखों में चढ़ जाता है मास, जिसकी वजह से हमारा आँखें भी दब जाती हैं अंदर को, आँखें भी अंदर को चली जाती हैं। गाइस आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको टिप्स देती जाऊंगी, हल्की छोटी 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 करके भी दूंगी, बड़ी बड़ी करके भी दूंगी, ताकि हम लोग मसरूफ़ भी रहें, हमारा काम भी हो और आप लोगों तक मेरी बात भी पहुंचे, मेरी आवाज़ भी आए और आप लोगों के साथ। और अगर आपको किसी को किसी मसले के तहत कोई सवाल भी हो तो आप मुझसे वो शेयर कर सकते हैं, मेकअप के हवाले से, मोटापे के हवाले से, कोई आपको टिप्स चाहिए हो तो आप मुझसे ले सकते हैं। मैं बल्कि आगे आपको बताऊंगी भी, मैंने भी बहुत कोशिश की है जिनकी वजह से मैंने अपना वेट लूज़ किया है। अब तो गाइस अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि ये देखें, हम जो फैटी नोज़ होता है, जो दबा हुआ नाक होता है, जो ऐसे होता है, जिसको हम आम हालात में लोग कहते हैं फिड्डा नाक, तो गाइस वो भी मैं आपको दिखाने जा रही वो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ ताकि आप वो देखें और फिर आप उसकी कंटूरिंग मैं आपको बताने जा रही हूँ, फिर आपको पता लगेगा कि हमने कंटूरिंग कैसे करनी है, फिर मैं आगे आपको फुल फेस कंटूरिंग भी बताऊँगी, ठीक है? पहले तो हमें कंटूरिंग के लिए चाहिए ब्रश, ब्रश चाहिए और दूसरे नंबर पर हमें चाहिए किट, फेस किट चाहिए, जो कि हमें फेस कंटूरिंग के लिए चाहिए और इसका हमें डार्क शेड यूज़ करना है। जी तो गाइस ये लें, अब देखते हैं, आओ जी वो साथ देखो। जी गाइस अब आप देख रहे हैं फेस, देख रहे हैं आप इसका? जी गाइस ये जो मेरी क्लाइंट है, इनका फेस आप देखें, आप देखते जाएं और गौर भी कीजिएगा कि कितनी लाइंस मैंने क्रिएट की हैं, कितनी मैंने, कैसे मैंने उसकी शेप के लिहाज से कैसे लाइंस बनाई हैं, ताकि आप इस चीज़ को जहन में रखें। और जिन ये इन मेरी क्लाइंट का मुझसे बहुत ज़्यादा सवाल होता था कि बाजी मैं जॉब करती हूँ तो प्लीज़ आप मुझे फेस के साथ साथ नोज़ कंट्रोलिंग का भी बताएँ, ताकि मुझे जॉब पर जाना होता है तो मैं अपनी अच्छे से नोज़ कंटूरिंग कर सकूं, तो इसलिए मैंने आज इनकी फरमाइश पे इन्हें नोज़ कंटूरिंग बता रही हूँ। ये देखें, ठीक है, ये देखें ऐसे। गाइस मैं नोज़ कंटूरिंग तो आपको बता रही हूँ, आप इसके साथ साथ मेरे चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आगे शेयर भी कीजिएगा और मुझे भी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, कि क्या मैं इस काबिल हो रही हूँ कि मैं जो फ़ायदा आप लोगों को देना चाह रही हूँ वो आपको मिल रहा है। ये देखें गाइस, ऐसे आपने गुलाई के अंदर रख के सारी नोज़ कंटूरिंग करनी है, ये देखें।
आप जैसे जैसे नोज कंट्रोलिंग अच्छी करेंगी, आपके फेस के फीचर्स, आपकी लुक इतनी चेंज हो जाएगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि वाकई ये हमारा ही नोज़ है। ये देखें गाइस, ये देखें गाइस, हमने दो मिनटों में कैसे, हमने दो मिनट भी नहीं, मेरे तो ख्याल में एक मिनट के अंदर ही हमने कैसे नोज कंट्रोलिंग की है। जी तो गाइस, देखा आपने मैंने कैसे आप लोगों को नोज कंट्रोलिंग करके दिखाई है, बताई है आप लोगों को कि नोज कंट्रोलिंग कैसे होती है, कैसे की जाती है। यकीनन आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरे लिए ढेर सारी दुआएं कीजिएगा, मुझे दुआओं में शामिल रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और मुझसे पूछें भी कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई या आपको क्या चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, तो आप इस मुतल्लिक मुझसे पूछ भी सकती हैं, सवालात भी कर सकती हैं, मैं इसके मुतल्लिक आपको जवाब भी दूंगी और आगे आपको इंशाल्लाह आईब्रोज लुक और फेस कंट्रोलिंग ज़रूर बताऊंगी। मुझे दुआओं में शामिल रखिएगा। आपकी प्यारी सी होस्ट प्रिंसेस ब्यूटी की शाजिया जावेद, अल्लाह हाफिज़।